ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड. यहाँ पर एक बात छुपी हुई है जो हम डिस्कस करेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इसका कंसेप्ट समझिए. यहाँ पर सेकेंड या 2 सेकेंड की बात नहीं हो रही है, सेकेंड्स की, और ये 4th सेकेंड की बात हो रही है. मीन्स जो फॉर्मूला इसमें लगेगा वो एस एंथ एंथ वाला क्या होता है, यू प्लस ए अपॉन 2 और 2 एंड माइनस 1. इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखिए. यहाँ पर दे रखा है सेकेंड मीन्स एस ये सेकेंड इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना 12 मीटर और एक दे रखा है आपको फोर्थ सेकेंड की, यानी फोर्थ सेकेंड के अंदर आप कितना चले हैं वो चीज़ दे रखी है. तो बॉडी कितनी कवर डिस्टेंस की है, एस फोर्थ दिस इक्वल्स टू 20 मीटर. इंप्लीमेंट कीजिए फॉर्मूला. यू इनिशियल वेलोसिटी, यू प्लस ए अपॉन 2. ना तो यू पता ना एक्सेलरेशन पता है अभी, बट एन की वैल्यू पता है. एन कौन सा होता है, सेकेंड बोला ना, तो एन की वैल्यू हमारे पास में 2 हो गई. ये हमारे पास 2 और ये माइनस 1, दिस विल इक्वल टू 12. करेक्ट, सॉल्व करें. यू प्लस ए अपॉन 2, 2 जा 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, दिस इक्वल टू 12. मीन्स ये आ गया u प्लस 3 बाई 2 ए इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या आएगा, u अभी पता नहीं है, प्लस a भी पता नहीं है, बट n की वैल्यू इसमें 4 हो जाएगी, 4 माइनस 1, दिस विल इक्वल टू 20. अब इसको सिंप्लीफाई करें, u प्लस ए अपॉन 2 और ये 2 4 का कितना 8 हो गया, 8 माइनस 1 7, दिस इक्वल्स टू 20. देन u प्लस 7 बाई 2 ए इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, ये अपॉन 2 में देखो, या तो आप अपॉन 2 में सॉल्व करना सीख लो, और अगर सॉल्व करने में परेशानी हो रही है तो एक काम कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो. 2u प्लस 3a, यहाँ 2 कट जाएगा, 2 है ना, 2 इंटू में आएगा ना, 2 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, इसको आप एक नंबर दे देंगे, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन में 2 है ना, जितना इसके अपॉन में लिखा ना उसी से उस नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 2u यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा 7a, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए. अब थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे पास में 2u प्लस 7a इज इक्वल्स टू 40. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3a माइनस 7a, माइनस का 4a, और यहाँ पर कैलकुलेशन करो भाई, 24 प्लस का है और माइनस का 40, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा, यहाँ पर कितना बच गया भाई, ये 16. मीन्स a की वैल्यू माइनस 16 अपॉन माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई से माइनस 4 नीचे चला जाएगा, और ये 4 था 16, मीन्स a इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास में, 4 आ गया. अब ये a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो उससे क्या मिल जाएगा मेरे को, u की वैल्यू, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी इक्वेशन में डालो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये वाली, आप सेकंड से भी अचीव कर सकते हैं. तो कितना आ जाएगा भाई, 2u प्लस 3a इक्वल्स टू 24, और a की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई ना, तो a की जगह आप 4 रख दीजिए, इंटू 4, मीन्स 2u ये आ गया 12 और ये 24, 12 को राइट साइड शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा, ये 24 माइनस 12 मीन्स 2u इक्वल्स टू 12, u इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, ये आ जाएगा 6, u इक्वल्स टू 6. अब u की वैल्यू आ गई इनिशियल वेलोसिटी की, और एक्सेलरेशन भी मेरे को पता चल गया है, इनको आप लिख लेते हैं, एक बार कॉपी कर लो जल्दी से.
तो u इज इक्वल्स टू ए मेरे पास में 6 और a हमारे पास में आ गया 4। अच्छा बात करें यूनिट की तो इसके अंदर मीटर और सेकंड की बात ही हो रही है, ये तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब जो आगे की कहानी है उसको थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िए देखें। अब क्या बोला गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, कब। अब आगे की देखो अच्छी तरह पढ़ो, देखें क्या लिखा है कि फिफ्थ सेकेंड के बाद में 4 सेकेंड, यानी कि देखो भाई अगर आपने जर्नी यहां से स्टार्ट की है तो ये तो आपके सपोज आ गया फिफ्थ सेकेंड, ठीक है। इसके बाद ये पहले 4th है, इससे पहले 3 है, इससे पहले 2 है, ये 1 है, ये हमारे पास में 6th 7th 8th 9th, इस तरह की कहानी है ना। तो 5th सेकेंड के बाद में 9th सेकेंड पर बात करनी है, यानी कितनी बात करनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से 0 से अगर 9 तक की टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ तो S9 से निकल जाएगी, उसमें से ये S5 तो 5वें सेकेंड तक जो है ना डिस्टेंस कवर की ना, वो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस 5th से 9th के बीच की जो डिस्टेंस है ना, 9th सेकेंड और 5th सेकेंड के बीच की जो कवर्ड डिस्टेंस जो फाइंड करनी है, यानी कि 5th सेकेंड के बाद में 4 सेकेंड और, मतलब 9th सेकेंड तक, कहाँ से, 5th सेकेंड से जो टोटल डिस्टेंस ये कवर की गई ना, ये फाइंड करना। लैंग्वेज पढ़ो देखें, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड, 5th सेकेंड ये हो गया और इसके बाद में 4 सेकेंड काउंट कर लो, ये टोटल जो डिस्टेंस 9 तक जो कवर की ना, ये मुझे फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S9 माइनस S5, यानी कि टोटल 9 सेकेंड्स का कवर डिस्टेंस में से 5 सेकेंड्स तक कवर डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, ये रिक्वायर्ड वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये तो देखो nth सेकेंड वाली बात है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से काम चलाएंगे यहाँ पर, न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन है s9 में क्या होगा बेटा ut, देखो ध्यान से देखना भाई है ना, u और t की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी है मेरे पास में 9, टाइम प्लस 1/2 a और ये 9 का स्क्वायर। अब u और a की वैल्यू भी तो पता है मेरे को, तो u की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा वो बड़ा, और a की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा ये 4 माइनस, यहाँ पर देखो बीच में प्लस है ना, एक ब्रैकेट मेंटेन कर लो ताकि मिस्टेक कभी नहीं होगी। यहाँ पर भी ut, u कितना है मेरे पास 6 और टाइम हमारे को s5 है ना, 5 सेकेंड में कवर डिस्टेंस यहाँ निकाल रहे हैं, तो इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1/2 और a की वैल्यू तो वही फिक्स है 4 इसके अंदर, और t स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। अब इसको कीजिए सिंप्लीफाई, ये तो हो गया मेरे पास में 54, यहाँ पर 2 इंटू ये 81 माइनस ये 30, ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये 2, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। सॉल्व करें आप इसको अच्छी तरह से, 54 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये 162 और माइनस का 80। क्लियर है। अब इन दोनों को कर दो प्लस 6, ये 11 और ये 2, 216 माइनस ये 80। क्लियर, ये आ गया 6, 11 में से 8 जाएगा 3 और 136 मीटर। मींस जो इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 5th सेकेंड के बाद में जो नेक्स्ट जो 4 सेकेंड्स हैं उसके अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो इसका आंसर क्या होगा 136 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए, स्टेप टू स्टेप कीजिए और कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं हो, इसलिए थोड़ा केयरफुली रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।